हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आहिल टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केनरा बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसमें हम मिनी स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट तो छोटा सा स्टेटमेंट होता है जो 10 दिन का आपको दिखाता है ट्रांजेक्शन, और स्टेटमेंट जो होता है आपको एक महीना, दो महीना, तीन महीने का आप जो स्टेटमेंट देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो दोनों मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो नया एप्लीकेशन है केनरा बैंक का, इस एप्लीकेशन से आप कैसे उसको देख सकते हैं स्टेटमेंट को, और कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखा देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे जैसे कि मैं बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है केनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, ये स्क्रीन रिकॉर्ड इस पे नहीं होता है, ब्लैंक दिखाई देता है, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां पे इसको कर रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें काम नहीं करता है। चलिए, इसमें हम सिंपली इसमें लॉग इन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं हम अपने डैशबोर्ड में यहां पे आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे आपको नीचे आना है। मैं सिंपली यहां बता देता हूं, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, छोटा सा वीडियो होगा। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑल, इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है बैंकिंग वाला, तो ये बैंकिंग वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, जो कि आपको माई बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर बैलेंस जितना होगा ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है ऊपर, जैसे कि देख सकते हैं मैनेज, और इसके बगल में स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखता है। हम स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर सिंपली हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। इसके बाद अब आप देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक से ज़्यादा अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि जिसका स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे केस में एक ही अकाउंट है केनरा बैंक का, सेम CIF पर, तो यहाँ पर एक ही अकाउंट हमारा शो कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सेट है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है, लास्ट 10 डेज का, लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का, यहाँ पे जितने महीने का आप चाहें स्टेटमेंट यहाँ पे इजीली देख पाएंगे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टम डेट डाल के यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे जिस डेट से जिस डेट तक देखना चाहते हैं ये डेट आप यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आपको उस डेट का यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे मैं लास्ट 1 मंथ का यहाँ पे स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा अकाउंट का डिटेल्स, अवेलेबल बैलेंस, और पूरा यहां पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसको देख लिया, ये व्यू है, ओनली व्यू है। ठीक है ना, इसको हमने देख लिया। अब इसे अगर हमें डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड का, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं नीचे, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डाउनलोड ई पासबुक सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इसको हम PDF फाइल में देख सकते हैं, और किसी को भी हम जरूरत पड़े तो भेज भी सकते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के वाले जो मांगते हैं कि अपना स्टेटमेंट दिखाइए, तो फिर आप इसको वहाँ पर ईजिली भेज सकते हैं और आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 10 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, आप जो भी डेट डाल के आप चाहे तो उस डेट का स्टेटमेंट निकाल के देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शेयर वाला भी ऑप्शन आपको इसके ऊपर मिल जाता है, शेयर भी आप किसी को करना चाहते हैं तो यहां से इजीली आप यहां पे जो कि वो भी यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको देखते हैं, जैसे देख रहे हैं आप व्हाट्सअप Gmail के द्वारा किसी को भी शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजिली शेयर भी यहीं से कर सकते हैं, डाउनलोड की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।